हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में अर्थशास्त्र के वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और साथ में हम आपको लाइव प्रूफ भी देंगे कि कौन प्रश्न कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, और ये प्रश्न 2015 में, 2018 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, और ये प्रश्न 2014 में, 2018 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है, तो पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, और ये प्रश्न 2013 में, 2015 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है, तो गोवा राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, और ये प्रश्न 2018 में, 2019 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो दिन होता है उसे भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वित्तीय वर्ष किस दिन को शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और ये प्रश्न 2014 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है, और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छह नंबर प्रश्न है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और ये प्रश्न 2014 में, 2017 में, 2018 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है,
और ये प्रश्न 2013 में, 2018 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चीज का होना आवश्यक है, और ये प्रश्न 2013 में, 2016 में, 2018 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त कची होना आवश्यक है, तो हॉलमार्क का होना आवश्यक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, और ये प्रश्न 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि कृषि उत्पादनों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, और ये प्रश्न 2021 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि उत्पादनों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो 1 मार्क का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, और ये प्रश्न 2015 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो सेवा क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, और ये प्रश्न 2013 में, 2016 में और 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो जो कर्नाटक है ये बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश ये तीनों बीमारू राज्य हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, और ये प्रश्न 2018 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो व्यावसायिक बैंक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, और ये प्रश्न 2017 में, 2018 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, और ये प्रश्न 2011 में, 2017 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और योजना आयोग का नया नाम क्या है, तो नीति आयोग है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, और ये प्रश्न 2018 में और 2018 के कंपार्टमेंट परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बता
बताना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो वह देश विकसित देश कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? और ये प्रश्न 2015 में, 2018 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? और ये प्रश्न 2011 में, 2016 में, 2018 में और 2018 के कंपार्टमेंट परीक्षा में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में किया गया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? और ये प्रश्न 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो भूमि विकास बैंक है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? और ये प्रश्न 2011 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? और ये प्रश्न 2015 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो जो मॉल सेवा होता है ये गैर सरकारी यानी प्राइवेट होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? और ये प्रश्न 2011 में, 2014 में, 2018 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? और ये प्रश्न 2015 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो 1 भी रुपया नहीं लगता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है? और ये प्रश्न 2012 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? और ये प्रश्न 2015 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? और ये प्रश्न 2018 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न, 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? और ये प्रश्न 2018 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो जो फोर्ड मोटर है ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है।
कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, नोकिया भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जितना भी हम अब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे आपको बताना है कि कागजी मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने किया था। ए ऑप्शन है चीन ने, बी ऑप्शन है भारत ने, सी ऑप्शन है नेपाल ने, डी ऑप्शन है भूटान ने। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए जिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।